प्रोवाइडेड है कि जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले स्कीम अप्रूव हो चुकी थी दो शैल कंटिन्यू 43 पैराग्राफ है कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल केसेस ऑलरेडी इन प्रोसेस और सैंक्शन बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम शैल बी कंटिन्यूड तो उस पर तो कोई रुकावट नहीं है वो चलेंगे क्योंकि वो ऑन गोइंग ये स्टार्ट हुआ उस दिन जिस इलेक्शन की इसके बाद कोई आके कहता जी मैं ये करवा दूंगा उस पर टोटली बैन है। नंबर टू सर देखें एज ए डी आर ओ मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कुछ आपकी बड़ी जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं जिसको मैं हम सारे मानते हैं मतलब डेफिनेटली इलेक्शन को एक दिन का काम तो नहीं है तैयारी करनी पड़ती है पूरा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लेट आया डेफिनेटली बहुत लोगों ने कुछ कर लिया मतलब हम आपकी जो रिकमेंडेशन जो बड़ी पॉजिटिव है मैं खुद भी एंडोर्स करूँगा कि इसको सिंपैथेटिकल कंसिडरेशन दी जाए लाइक अगर आप लोगों ने एक तो साइज़ पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता अलबत्ता ये हम इलेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोगों ने चूंकि तैयारी की हुई है पैनाफ्लेक्स उनके बने हुए हैं तो ये बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है सारे बजट भी इन्वॉल्व है तो अगर इसमें कोई रिलैक्सेशन हो सकती है आई विल डेफिनेटली एज ए डी आर ओ शैल रिकमेंड। उन्होंने इलेक्शन की फहरिस्तों की बात की वो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से और जो उन्होंने इसना बात की कि दो गाड़ियाँ निकलती हैं बाज़ अफ़ाब तो वो रैली में आनी चाहिए जिस तरह इन्होंने बात की कि दो गाड़ियाँ बंद हो गई जो उनकी वो थी ये सारी चीज़ें आज हम एक आपकी इस मीटिंग के हवाले से और मैं सिर्फ मैंने कहा ना सिर्फ ये नहीं लिखूंगा मैं खुद भी पर्सनली एज ए डी आर जो फील कर रहा हूँ मैं अपनी इनपुट उसमें डाल दूंगा। अब बात फिर वही है आगे जाना है मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और बाकी आईजी साहब ने बता दिया है वो प्रोटोकॉल जो असले का है उसके अंदर लिखा हुआ है ठीक है जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जिनको अलाउ है स्पेशल वो डेफिनेटली लेकिन वेपन ओपन फिर भी नहीं होगा ये सारी चीज़ें उनको हम करने जा रहे हैं। इधर से कुछ सर एक सिंगल पॉइंट पूरा आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं मुझे आप बिल्कुल याद है मेरे फोकस में आप सर मैंने जब उठेंगे तब जब सारों के जवाब हो जाएंगे एक सिंगल पॉइंट सर मैंने आपसे रोड पे नहीं है ठीक है उसका प्रोटोकॉल वो तो रेड जोन तो चलेगा गया स्पेसिफाइड हाँ गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनके ऊपर नहीं है उनके ऊपर कंप्लीट बैन है और प्राइवेट बिल्डिंग पे आपको परमिशन से लगाने हैं यू कैन ठीक है वॉल चॉकिंग बैन है इसलिए इस तरह कोई वो नहीं है एरिया के जहाँ इस रोड पे लगाने इस पर नहीं लगाने रूल्स जाब्ते के मुताबिक आप लगा सकते हैं अगर आपने रोड पे खंबे पे लगाने हैं तो आप लोकल एक्ट्रेशन परमिशन लेके आप उसका पे करें आप लगा दें वो कोई रुकावट नहीं है सर एक बहुत छोटी सी सबमिशन है कि ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से उसका एजेंडा है आफ्टर बींग इलेक्टेड मैं ये करूँगा मेरा ख्याल है वो तो वॉयलेशन नहीं है अगर वो हो रहा है तो हमारे नोटिस में लाएं प्लीज़ हम आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी बात नहीं करते आप हम इंशाल्लाह बड़ी बात आप हमारे नोटिस में लेके आए आपको वो काम इंशाल्लाह आईजी साहब अच्छा अब मेरा नहीं प्लीज़ सर आप सर एक नहीं सर प्लीज़ दो नहीं सर प्लीज़ सर डिसअलाउड डिसअलाउड प्लीज़ आपको एंड में दोबारा मौका दूंगा हमारे पहले वो भी सबसे ज्यादा हमारे ही उतरे हैं सर वो अब आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट हम ही हो रहे हैं सर अच्छा सर ये बात बताइए सर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा सारे लोगों को पॉलिसी मानने से इनकार कि मैं नहीं मानता ये पॉलिसी सर आई रिक्वेस्ट आप मेरी एक मिनट खत्म करा प्लीज प्लीज जस्ट सर वो आपका राइट है यू कैन गो ओके मैं आई साहब जान साहब से आप पे मैं दोबारा आऊंगा पहले बैग वालों को ले लूँगी और फिर उनकी जाती जाएगी वो आपको मैं दोबारा मौका दे दूंगा सिर्फ मैं पीछे मैं तो खत्म इधर से कोई है लेफ्ट साइड से और भी कुछ चीज़ों पे लगा हुआ है लेकिन लेकिन हम इसको यू नो योर पॉइंट इज टेकन हम इसको रिकंसिडर कर लेंगे देख लेंगे ये सर तो यकीन करें मैं एज ए डी आर आपको गारंटी करता हूँ कम अज़ कम मैं एंडअप करके कहूँगा ओके जी आई कांट डू इट लेकिन जब तक हैं जिस हाल में है ईमानदारी के साथ खुदा के खौफ के साथ बिल्कुल फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे कोशिश करें कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करा सकें हज़ार वॉलेशन अगर हो रही हैं तो सॉरी टू से मुझे थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी हज़ार वॉलेशन क्यों हो रही हैं क्यों हम कभी शहरी बने ही नहीं पाकिस्तानी बल्कि बने ही नहीं हमने पाकिस्तानी बनकर कभी सोचा ही नहीं अगर हम पाकिस्तानी बनके सोच शुरू कर दें तो शायद हमें आज इस मीटिंग की भी ज़रूरत ना पड़ती तो इसीलिए हमें हमारा अंदर से ज़मीर हमें मलामत कर रहा था कि नहीं ये क्यों हो रहा है एक चीज़ हम बनाते हैं और तारिक फजल साहब चले गए उन्होंने कुछ बातें की अब उनसे सवाल तो मैं ये करता है कानून तो आप ही ने बनाया मैंने तो नहीं बनाया था इलेक्शन एक्ट 2017 आप बना के लाए हैं 40 लाख रुपये आपने किया है वो ठीक है ये सारी बातें करने वाली हैं एक बात तय रखें हमें सिवाय खुदा के किसी का खौफ नहीं है कोई नामालूम अफराद नहीं है कोई खलाई मखलूक नहीं है एवरीथिंग शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ और 144 का उन्होंने कह दिया हम आपकी उसको सारों की रिक्वेस्ट है बड़ी जेन्युइन रिक्वेस्ट है वो पोलिंग ऑफिसर्स की फेरिस्त भी आपने ली है
जनाबे वाला पोलिंग ऑफिसर्स की फेरस भी डॉक्टर तार थ्रेट्स आ रहे हैं, आप जरूर एप्लीकेशन दें और हमें बताएं, रिपोर्ट करें वो। और साइबर थ्रेट से बेसिकली एफआईए डील करती है, हम उसको एफआईए को भेजा जाएगा एंड दे विल डील विद दैट। जी सर, मैं इलेक्शन कमेटी बस इसके ऊपर हम लोग चाहते हैं, बात है फोर्सी नहीं किया था, और हम समझते हैं हम तीनों के तीनों के हम आपकी उनको रिकमेंडेशंस को आगे फॉरवर्ड करें और एक पॉजिटिव नोट के साथ फॉरवर्ड करें कि ये एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है और काइंडली इसका कोई वे आउट निकालें। ये हमारे डोमेन में है जो इंशाल्लाह हम करेंगे। अगला डोमेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो क्या करता है, आप किस तरीके से वहाँ करते हैं, दैट इज़ वो हमें जैसी हिदायत आएंगी उसके मुताबिक इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देंगे। नंबर टू, मैं आपका एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए बैठे, सर जोड़ के हम बैठे। और नंबर तीन, मैं एक बात आपसे करूं, इलेक्शन है 20-25 दिन है, इंशाल्लाह हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपके ताउन से बहुत अच्छे तरीके से होगा। हम इस्लामाबाद को कोशिश करेंगे एज ए मॉडल प्रेजेंट कर सकें आप लोगों के कोऑपरेशन से। और नंबर फोर, मुझे एक ही बात पता है, अल्टीमेट फतह पाकिस्तान की होनी चाहिए, किसी उम्मीदवार की फतह कोई फतह नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर। एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ,